स्वयं से प्रकाशित है तथा सभी दोषों से परे है, ऐसा ध्यान करता हुआ जो समाधिस्थ हो रहा है या फिर ऐसा करने का प्रयास कर रहा है, यही तेरे बंधन का कारण है, बंधन है। यह समस्त विश्व तुम्ही में व्याप्त है और तुम इस जगत में पिरोए हुए हो, यही यथार्थ है। इसलिए सभी दोषों से परे और सौ प्रकाश रूप तुम भ्रामक व विपरीत इस चित्त वृत्ति को प्राप्त न होवो कि तुम संग दोष से प्रभावित होने वाले और दूसरों के अस्तित्वों से अस्तित्ववान हो। निरपेक्ष निर्विकार सभी जिस पर निर्भर हैं, शांति का स्थान है जो अत्यंत विस्तृत बुद्ध ज्ञान रूप है, जिससे किसी प्रकार का कोई क्षोभ बेचैनी नहीं पैदा होता, ऐसा चैतन्य रूप है तेरा। इसलिए तू उसमें अपने सच्चे स्वरूप में निवास कर स्थित हो। जिसका आकार है उसे झूठा जान, और जिसका कोई आकार नहीं जो निराकार है उसे निश्चल जान। यह जानकर वह चलायमान नहीं होता, इस तत्वोपदेश से इसका अनुभव करने पर फिर तेरा संसार में प्रवेश पुनर्जन्म आदि संभव नहीं है। जिस प्रकार दर्पण में चेहरे का प्रतिबिंब आता है बाहर भी और भीतर भी, उसी प्रकार वह परमात्मा सभी शरीरियों के भीतर और बाहर विराजमान है। जिस प्रकार सर्वव्यापक आकाश घट के बाहर और भीतर कण कण में व्याप्त है, उसी प्रकार ब्रह्म भी सदैव ही इस विश्व चराचर के बाहर और भीतर सर्वत्र व्याप्त है, इस जगत में ओतप्रोत है। दूसरा प्रकरण। जनक जी ने कहा, आश्चर्य है सभी दोषों से परे अर्थात निरंजन, सभी प्रकार के विक्षेपों विक्षोभों से परे ज्ञान रूप मैं प्रकृति से जो इस रूप में भासती है पूर्णतया परे हूँ, फिर भी आज तक इतना समय बीत जाने के बाद भी अर्थात जन्म जन्मांतरों के बाद भी मोह से अज्ञान के कारण ही छला जाता रहा। जिस प्रकार मैं अकेला इस शरीर को प्रकाशित कर रहा हूँ उसी प्रकार इस जगत को भी, इसलिए या तो यह संपूर्ण जगत मेरा है या फिर कुछ भी मेरा नहीं है, अर्थात यह शरीर भी नहीं। आश्चर्य है शरीर के साथ विश्व का परित्याग करने के परिणाम स्वरूप थोड़ी सी कुशलता से युक्ति को प्रयोग में लाकर इस समय मुझे परमात्मा का साक्षात दर्शन हो रहा है। जिस तरह तरंगे फेन और बुलबुले जल से अलग नहीं हैं, उसी तरह यह समूचा विश्व आत्मा से भिन्न नहीं है, अर्थात उसी में स्थित हैं और उसी में लय प्राप्त करने वाले हैं। विचार पूर्वक देखने पर जिस तरह वस्त्र धागों के ताने बाने का ही समग्र रूप होता है, इसी प्रकार विचार करने पर इस विश्व में परमात्मा से भिन्न और कुछ नहीं है। तंतुओं के बिना जैसे वस्त्र की सत्ता नहीं है, वैसे ही आत्मसत्ता को इस विश्व से निकाल लेने पर विश्व अस्तित्वहीन हो जाता है। जिस प्रकार गन्ने के रस में शक्कर की प्रतीति होती है, उसी प्रकार यह संसार मुझमें ही अध्यस्त है और मैं इसमें व्याप्त हूँ। आत्मज्ञान के अभाव में यह जगत भासित होता है, आत्मज्ञान के साथ ही यह आभास मिट जाता है। यथा रस्सी में अज्ञानतावश सांप की प्रतीति होती है, उसी प्रकार तत्वज्ञानी को संसार का आभास मिट जाता है। प्रकाश मेरा अपना रूप है, मैं उससे भिन्न नहीं हूँ, इसलिए जब भी यह विश्व प्रकाशित होता है तो मेरे ही प्रकाश से अर्थात मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित है यह समूचा विश्व। महान आश्चर्य है कि अज्ञान से विकल्पित यह विश्व अज्ञान से मुझको बिल्कुल वैसे ही प्रतीत हो रहा है जैसे सीप में चांदी, रस्सी में सर्प और जल में सूर्य किरणें प्रतीत होती हैं। मुझसे उत्पन्न हुआ यह समस्त संसार मुझमें बिल्कुल उसी तरह लीन हो जाता है जैसे घड़ा मिट्टी में, लहरें जल में और समस्त आभूषण अपने नाम रूप सहित स्वर्ण में लय को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जगत का नाश हो जाने पर भी
जिस मेरा मेरे स्वरूप का विनाश नहीं होता, जो स्थिर और स्थित रहता है, ऐसे आश्चर्य रूप आत्मा रूप स्वयं को मैं स्वयं नमस्कार करता हूँ। आश्चर्य है, मैं स्वयं को नमस्कार करता हूँ, जो एक शरीरवान होते हुए भी न कहीं जाता है न ही कहीं से आता है और समस्त शरीरों में व्याप्त होकर स्थित है ना आश्चर्य। महान आश्चर्य है कि सभी प्रकार के संसर्गों से अलग रहकर मैंने इस समस्त सृष्टि को धारण किया हुआ है। मैं ऐसा शरीर में रहता हुआ भी उससे अलग रहकर करता हूँ, मेरे समान दूसरा कोई चतुर कुशल और कौन होगा। प्रणाम करता हूँ मैं ऐसे अपने आप को। आश्चर्य रूप मैं स्वयं को उस स्वयं को नमस्कार करता हूँ जिसका अपना कुछ नहीं है, या फिर वह सब कुछ उसका है। जहाँ तक मन जाता है बाणी जाती है, अर्थात नाम रूपात्मक जो कुछ भी है, जिससे जाना जाता है, जिसे जानना है और जो जानने वाला है, ये तीनों वास्तविक नहीं हैं, यथार्थ नहीं हैं। ये तीनों त्रिपुटी अज्ञान के कारण जहाँ भासित प्रतीत हो रहे हैं, वह अधिष्ठान रूप निरंजन रूप सभी प्रकार के दोषों से परे मैं हूँ, वही मेरा यथार्थ रूप है। इस संसार में जितने भी रोग हैं उनकी औषधि है, लेकिन द्वैत के कारण रोग रूप यह संसार उत्पन्न हुआ है और उसका परिणाम रूप जो दुख है उसकी कोई औषधि नहीं है। जनक जी ने संकेत कर दिया कि द्वैत के बने रहने पर दुख की निवृत्ति हो जाए ऐसा संभव नहीं है। दुख की मात्रा के कम होने को भले ही सुख मान लिया जाए, लेकिन वह सिर्फ सुख का आभास मात्र है। वह सुख भी प्रतीति है, सुख नहीं। दुख से निवृत्ति का एक ही साधन है, द्वैत निवृत्ति। और जब द्वैत ही नहीं रहता तो दुख कैसा। दुख तो सुख की तुलना में है। सुख दुख द्वैत परक शब्द हैं। द्वैत के समाप्त होने पर न दुख है न ही सुख। द्वैत के नष्ट होने पर नाम रूपात्मक जगत झूठा ही सिद्ध होता है। जगत के न रहने पर राजर्षि ने इस सूत्र में दुख के स्वरूप, उसके कारण और उसकी निवृत्ति का पूर्णतया खुलासा कर दिया है। वास्तव में मैं बोध रूप ज्ञान रूप हूँ। अज्ञान के कारण ही मुझमें विभिन्न अलग अलग नाम रूपादि उपाधियों की कल्पना की गई है, अर्थात ये आरोपित हैं, ऐसा विचार करते हुए कि नित्य निर्विकल्प में मेरी स्थिति है, आश्चर्य है न महान आश्चर्य। समूचा विश्व मुझमें स्थित है, जो कि वास्तव में मुझमें स्थित नहीं है। न मुझमें बंधन है और न ही मोक्ष। इस प्रकार का जो भ्रांति भरा मेरा विचार था, मैं बद्ध या मुक्त हूँ, अब शांत हुआ, आधारहीन सिद्ध हुआ। अपने संपूर्ण आकार नाम रूप के सहित यह संसार वास्तविक रूप में है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसा निश्चित है। और यह भी कि आत्मा शुद्ध चिन्मात्र है। यदि ऐसा है तो फिर यह ऐसा संसार जो अस्तित्वहीन है असल में दिखाई क्यों देता है, कल्पना मात्र है बस। शरीर स्वर्ग नरक बंधन और भय यदि मात्र प्रतीति भर हैं, वास्तविक नहीं, तो चैतन्य आत्मरूप मेरे लिए किन कर्तव्यों का पालन निहित है, अर्थात मैं क्या करूं क्या न करूं। आश्चर्यचकित हूं मैं, सृष्टि के विभिन्न जड़ चेतन रूप में देखता हुआ मैं द्वैत रूपी अरण्य में नहीं भटकता हूं, क्योंकि द्वैत प्रतीति की वास्तविकता को भली भांति जान चुका हूं, देख रहा हूं। इसलिए मैं इससे मोहित होकर कैसे वर्ताव व्यवहार करूं। मैं सभी प्रकार के मोहों से मुक्त हूँ। न मैं शरीर हूँ, न ही यह शरीर मेरा है। मैं जीव भी नहीं हूँ। मैं तो असल में चैतन्य रूप हूँ। जीने की वासना ने ही मुझे बंधन में डाला हुआ था। जीने की वासनाएं ही बंधन हैं और बांधने का कारण भी। अहो आश्चर्य है कि अनंत समुद्र रूपी मुझमें अनेक नाम रूपों वाली नाना विचित्रताओं से भरी चित्त रूपी हवा के बहने के परिणाम स्वरूप उठी तरंगें मुझसे भिन्न नहीं अभिन्न हैं। जब मुझमें मुझ अनंत और महान समुद्र में चित्त रूपी पवन शांत हो जाता है, तो जीव रूपी व्यापारी का
दुर्भाग्य घटित होता है।